महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख ने माहिम किले का दौरा किया। इस दौरान माहिम किले के सौंदर्यीकरण की वजह से विस्थापित होने वालों के पुनर्वसन की समस्याओं को जल्द सुलझा लेने का उन्होंने भरोसा जताया। पालक मंत्री असलम शेख ने विस्थापितों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें विश्वास दिलाया कि माहिम किले के सौंदर्यीकरण से संबंधित जल्द ही निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस संदर्भ में जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश पालक मंत्री असलम शेख ने मुंबई उपनगर के कलेक्टर को दिया। आपको बता दें कि मुंबई की ऐतिहासिक माहिम किला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। यहां देखते ही देखते तकरीबन 267 से अधिक झोपड़े खड़े कर दिए गए, जिसमें आज वर्तमान में तकरीबन 1100 परिवार रहा करते हैं। मुंबई के माहिम खाड़ी के पास तकरीबन 3796 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में माहिम का यह किला स्थित है, जिसके जीर्णोद्धार का संकल्प महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने लिया था, जिसके बाद विस्थापितों के पुनर्वसन के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसलिए मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख यहां विस्थापितों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे और तत्काल एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश उन्होंने जिलाधिकारी को दिया। ये जे फोर्थ साइड डेवलपमेंट संदर्भ आणि त्यामध्ये येणारे 250 पेक्षा जास्त घर आहे, त्या घरांना पर्यायी जागा द्यायचं आणि हे फोर्ट जे आहे आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे आणि या फोर्टमध्ये लागणारे पैसे टुरिझम डिपार्टमेंट आदित्यजीकडून येणार आहेत, त्याच्यानंतर अमितजी देणार आहेत, त्याच्यानंतर कमी पडलं तर ॲज अ पालकमंत्री मीही देणार आहे। आणि हा सुशोभीकरण चांगलं झालं पाहिजे, कारण मुंबईमध्ये पर्यटनसाठी जागा कमी राहिलेल्या आहेत, लोक जास्त येत नाही। मुंबईमध्ये जे जे असे स्थान आहेत त्याला डेव्हलपमेंट करण्याची कामं जे आहे ते आम्ही हातामध्ये घेतलेले आहे, पण हे करत असताना एकही कुटुंब बाहेर होणार नाही, त्यांना घरं भेट